गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर की हम लोगों ने बात की थी। कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर की बात की थी और मैंने आपको बताया था एक फॉर्म कुछ इस तरह से होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे ऑक्सीजन नेगेटिव सेंटर बन जाएगा साहब, और कार्बन पॉजिटिव सेंटर बन जाएगा। इसको अगर मैं ए फॉर्म बोलूंगा और इसको मैं बी फॉर्म बोलूंगा तो ध्यान ये रखना है कि ए एंड बी आर RS, RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है जेंटलमैन वो न्यूट्रल है, ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है और ये मॉलिक्यूल डाइपोलर है। कैसा है? डाइपोलर, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव सेंटर बन रहा है और एक नेगेटिव सेंटर बन रहा है, एक पॉजिटिव सेंटर बन रहा है और एक नेगेटिव सेंटर बन रहा है। जो पॉजिटिव सेंटर बन रहा है कार्बन इज, कार्बन इज पॉजिटिव सेंटर, कार्बन इज पॉजिटिव सेंटर एंड ऑक्सीजन इज नेगेटिव सेंटर। कार्बन इज पॉजिटिव सेंटर एंड ऑक्सीजन इज नेगेटिव सेंटर, मतलब जो कार्बन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर साहब जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करे, जो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करे, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है उसे केमिस्ट्री में लुईस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। ऑक्सीजन जो सेंटर है वो नेगेटिव सेंटर है, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। और जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है वो लुईस बेस कहलाता है। आप चेक कर पाएंगे कि ए और बी में जो स्टेबिलिटी होगी, ए इज मोर स्टेबल, ए इज मोर स्टेबल देन बी। ए देख पा रहे हैं आप जेंटलमैन, ए कैसा है? न्यूट्रल है। और बी में क्या है? चार्जेस जनरेट हो गए। तो ड्यू टू द इमेजनरी, मैं लिख रहा हूं ड्यू टू द इमेजनरी चार्जेस, ड्यू टू द इमेजनरी चार्जेस स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गई साहब। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जैसे ही हम एक न्यूट्रल स्पीसीज को कंपेयर करते हैं एक चार्ज स्पीसीज से, तो एक न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है एक चार्ज स्पीसीज से, मतलब C प्लस
इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला सेंटर हो गया, और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो गया। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया उस पे नेगेटिवली चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल, जेंटलमैन मेरी बात को बहुत ध्यान से समझें, न्यूक्लियोफाइल यहाँ विल अटैक, खराब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर जाएगा। और यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा तो मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप will take place in nucleophilic addition न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। मेन रिएक्शन है ये कार्बोनिल ग्रुप की कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा कार्बोनिल पे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियोफाइल इज एन अटैकिंग रिएजेंट जेंटलमैन, दो प्रकार के इंसान आक्रमण के लिए, अटैक के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाने जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि दो प्रकार के इंसान अटैक करने के लिए जाने जाते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल होता है और एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल को ई प्लस से शो करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रहेगा, और न्यूक्लियोफाइल को एन यू माइनस से शो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन से अमीर होता है और ये इलेक्ट्रॉन से गरीब होता है, इलेक्ट्रॉन पुअर। जब ये इलेक्ट्रॉन से गरीब होता है तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन से अमीर होता है तो इसे पॉजिटिव सेंटर चाहिए। तो जेंटलमैन, जब हमने कार्बोनिल ग्रुप को देखा और वहां पर जब उसका आरएस बनाया तो उसी पर प्लस बना और ऊपर माइनस बना, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर जाएगा, यहां पर ये अटैक कर जाएगा तो क्या बनाएगा, CNUO-। यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि अगर इस तरह की कोई स्पीसीज बन रही है तो ये स्टेबल है। ये क्यों स्टेबल है, क्योंकि अगर हम ऑक्टेट का ध्यान में रखें तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था तो ये बहुत ही खराब सूचना थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और यहाँ पर अब कार्बन का ऑक्टेट भी, क्योंकि उसने चार बॉन्ड बना लिए हैं और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी इंटरमीडिएट बने प्रोडक्ट बने
सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल, अगर आप इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते तो इसका ड्रॉबैक क्या होता है जेंटल में, सी प्लस ओ माइनस, और अगर आपका आप इसका अटैक कराते तो ड्रॉबैक क्या होता, आपकी जो इंटरमीडिएट बनता, जो इंटरमीडिएट बनता उसे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, जो इंटरमीडिएट बनता उसमें कार्बन का ऑक्टेट, ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट कंप्लीट, ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट कंप्लीट, तो इसे हम बोलेंगे बैड न्यूज, ये खराब समाचार है, क्योंकि यहां पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है जेंटल में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैकेनिज्म में आपसे अगर कोई पूछता है कि मैं आपको इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आपसे कोई पूछता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों कार्बोनिल ग्रुप में, तो आपको मैंने पूरा रास्ता बता दिया कि आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कार्बोनिल ग्रुप में सपोज दैट एक बॉन्ड ये डैश पे है, एक बॉन्ड ये वैलेंस पे है, कार्बन को चार बॉन्ड बनाने हैं, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरह से मैं कार्बन पे दिखाऊंगा और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में कुछ इस तरह से ऑक्सीजन पे दिखाऊंगा जेंटलमैन, और फिर इनका कुछ इस तरह से साइड टू साइड कनेक्शन होगा जेंटलमैन, ओवरलैपिंग होगी। आप मेरी बात को समझिए कि ये एक प्लेन है, ये जो बोर्ड है मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इस प्लेन के बाहर होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो इस प्लेन के, इस पेपर प्लेन के पीछे जाएगा, समझ पा रहे हैं। और ये कुछ इस तरह का डायग्राम आप देख पा रहे हैं कि मतलब अगर मैंने इस तरह से ये बॉन्ड डैश पे दिखाया और ये बॉन्ड बेज पे दिखाया जेंटलमैन, तो यू कैन सी दैट यहां पे कुछ इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनता है, जिसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया और ये पाई बॉन्ड बनता है, तो ये ऑक्सीजन हो गया और इस ऑक्सीजन के पास अभी भी दो लोन पेयर प्रेजेंट है जेंटल में, सो यू कैन सी दैट दिस बॉन्ड एंगल दिस बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री एंड मॉलिक्यूल बिकम्स प्लेनर। मैंने आपसे चर्चा की थी अगर इसी में सी डबल बॉन्ड सी से कंपेयर करूं जेंटल में, अगर मैं इसे सी डबल बॉन्ड सी से कंपेयर करूं तो
तो सी डबल बॉन्ड सी से मैं लिख रहा हूं कंपैरिजन विद सी डबल बॉन्ड सी। सी डबल बॉन्ड सी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अल्कीन, मैं अल्कीन की बात कर रहा हूं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे भी ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 होगा, ये भी प्लेनर होगा, इसमें भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। लेकिन आप बात को समझे कि यहां पर ये जो दोनों एटम हैं ये सिमिलर है जेंडर, तो जब दोनों एटम सिमिलर हैं, एक सी डबल बॉन्ड सी और एक सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो जो सीओ बॉन्ड लेंथ होगी वो शॉर्टर हो जाएगी सी सिंगल बॉन्ड सी से, बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन को ध्यान से समझे, बॉन्ड लेंथ बिकम्स शॉर्टर जो सीओ बॉन्ड लेंथ होगी वो छोटी हो जाएगी सीसी बॉन्ड से, और जब बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी तो तय बात है कि जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब ये वाला जो बॉन्ड लेंथ होगी ये सॉरी सी डबल बॉन्ड हो इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ, तो आप क्या देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जो बॉन्ड एनर्जी होगी इंक्रीजेस इन कीटोन, जो कीटोन होगा उसमें बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बढ़ जाएगी, सी डबल बॉन्ड ओ क्या होगा पोलर होगा, और ये नॉन पोलर होगा। लेकिन यहां पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की वजह से इन अल्कीन बोले तो सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के इंसान हैं, एक वो है जो इलेक्ट्रॉन से भिखारी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और एक वो है जेंटलमैन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो यहाँ डबल बॉन्ड है तो तय बात है एडिशन होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आप क्लियर रखे हैं कंपैरिजन में कि किसी ने पूछा कि कार्बोनिल कंपाउंड में तो कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा जबकि अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा जेंटलमैन, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अल्कीन नॉन पोलर होगी जबकि जो कार्बोनिल ग्रुप होगा
वो पोलर हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये जो कंपैरिजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर जीडब्ल्यूई नीट के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भाई अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन है इसमें एच प्लस और बीआर एच प्लस और सीएल माइनस में किसका अटैक पहले होगा, तो इसका अटैक पहले होगा और अगर आपके पास ये एसिटाल्डिहाइड है, सॉरी प्रोपियोनाल्डिहाइड है और आपसे कहा जाए कि H प्लस Cl माइनस में किसका अटैक पहले होगा, तो इसका अटैक पहले होगा, विन अटैक। फर्स्ट यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपने क्या क्या अभी तक सीखा है, मैं आपको क्लियर कर दूं। हम लोग सीख चुके हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों कार्बोनिल ग्रुप फैमिली को बिलोंग करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं, दोनों में कार्बोनिल कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का कॉमन नेम मैंने आपको बताया था, IUPAC सिखाया था। एल्डिहाइड कीटोन का हमने क्लासिफिकेशन सीखा था, एल्डिहाइड में केवल एलिफेटिक और एरोमेटिक आपको ध्यान रखना है, जबकि कीटोन में एलिफेटिक और एरोमेटिक के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि सिंपल है या मिक्स कीटोन है। सिंपल कीटोन तब होता है जेंटलमैन जब कार्बोनिल ग्रुप पे दोनों एल्काइल ग्रुप या दोनों एराइल ग्रुप कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, और मिक्स तब हो जाता है जब दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने नेचर सीखा कार्बोनिल ग्रुप का, बॉन्डिंग सीखी, बॉन्डिंग सीखा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीखे और उसका कंपैरिजन सीखा किससे, सी डबल बॉन्ड सी से। अब इसके बाद हम लोग आएंगे प्रिपरेशन में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आप थोड़ा सा ध्यान दें कि आप लोग एल्कोहल वाला जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि एल्कोहल में जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज वाले पोर्शन में आएंगे ना जनरल, तो एल्कोहल में मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल में जब आप आएंगे तो वहां पे शायद एल्डिहाइड या कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन मिल जाएगा आपको केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं आपको एक बात बता दूं कि कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड के साथ कनेक्शन होता है, एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड के साथ बहुत ही प्यार होता है, प्रेम होता है, दे लव ईच अदर वेरी मच। अगर आप एक की केमिकल प्रॉपर्टी सीखते हैं प्यारे बच्चों, तो वही दूसरे कंपाउंड के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाता है, ऐसा अक्सर आपको देखने को मिलेगा। तो हम चर्चा करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की एल्डिहाइड कीटोन की, तो आप एल्कोहल से पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लें तो आपको बहुत ही आनंद
आने वाला है, मजा आने वाला है कि किस प्रकार से हम एल्डिहाइड कीटोन को बनाएंगे।